बलरामपुर नगर पालिका परिषद वार्ड सभासद की ताजपोशी की गई, जिसमें धीरेंद्र प्रताप धीरू ने जनता का आभार व्यक्त किया और वहां आए हुए गणमान्य सदस्यों का सम्मान किया। नगर पंचायत तुलसीपुर अध्यक्ष कह कथा फिरोज ने भी अध्यक्ष पद की शपथ ली और तुलसीपुर नगर पंचायत की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम अपने वादों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जनता ने जो हमें सम्मान दिया है उस सम्मान का निर्वहन करेंगे। भूतपूर्व चेयरमैन स्वर्गीय फिरोज पप्पू के सुपुत्र अदनान अपने पिता को याद कर 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि नगरवासियों के लिए जैसे मेरे पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वैसे ही मैं भी अपने नगरवासियों की सेवा करते करते अगर मुझे भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। गैसड़ी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रिंस वर्मा ने भी शपथ ग्रहण की और अपने क्षेत्र की जनता का अभिनंदन किया। नगर पंचायत तुलसीपुर आदर्श नगर पंचायत के चुनाव में हमारी माता जी को 1% बहुमत नगरवासियों ने दिया है, तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और कोशिश यही रहेगी आपके हर सभी लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ। आगे आपकी प्रमुखताएँ क्या क्या हैं जी इस बार? जैसे कि नगर पंचायत में इस बार आप लोगों ने पता होगा कि हमारे 9 निर्वाचित क्षेत्र जोड़े गए हैं, परसीमन हुआ है हमारा, तो जो क्षेत्र जोड़े गए हैं भवानियापुर हो गया, पाटन हो गया, कुछ दीवा का हिस्सा, वहाँ पे कार बहुत ही जीरो स्तर के हैं, कहीं कहीं तो खड़ंजा लगा हुआ है, मट्टी की रोडें बनी हुई हैं। तो हमारा प्रायोरिटी तो रहेगी कि उन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, साथ ही साथ जो नगर में जो कुछ अधूरे चीज़ें रह गई, कुछ पुरानी बाजार रोड हो गई, ये MDS के आगे वाली रोड हो गई, पुरवा रोड, इन चीज़ों को भी मरम्मत कराया जाए और जो भी कहीं कोई मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, पानी की जो दिक्कत है, जल निकासी की, उन चीज़ों को दूर किया जाए। तुलसीपुर के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर अल्लाह के नाम पर शपथ लेती हूँ कि भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी। मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों को निर्वाहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूं। धन्यवाद। अस्सलाम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।